दोस्तों टूल्स को लेकर के हमारी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। आई होप, आई डोंट होप, आई थिंक कि आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम्स आई होगी कि हमें जरूरत है पेचकस की। हम पूछते हैं भाई पेचकस कहाँ है, बोले पेचकस नहीं मिला, प्लास मिला, प्लास ले लो। ये सारी समस्या होती है कि हमारे पास टूल्स तो सारे हैं पर उनके लिए कोई घर नहीं है। टूल्स को भी घर चाहिए होता है, जिसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा एक कोई टूल बॉक्स खरीद कर ले आते हैं जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स हैं। हैमर भी है इसके अंदर, ड्रिल मशीन भी है, सारी की सारी चीज़ें हैं। पर क्या, जब हम इसको एक बार ओपन कर लें तो ओपन करने के बाद जो चीज़ जैसी लगी हुई है वो चीज़ लगी नहीं रहती। मतलब जो जैसा रखा हो उसको आप सही करने में ज़िंदगी बिता दो। कि फिलहाल हम तो इसको अभी तक कभी सेट नहीं कर पाए, सेट करने चलते हैं कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। जो चीज़ जहाँ पे लगनी होती है वो चीज़ ढूंढने नहीं मिलती कि कहाँ पर कौन सी चीज़ सेट होगी। इसको बंद करने में सारे सारे जो हमारे टूल्स हैं वो इधर के उधर बिखर जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि ये जो मटेरियल इसका बना हुआ है, ये जो चीज़ बनी हुई है, ये भाई प्लास्टिक की बनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक का है। अब भाई टूल्स हैं, टूल्स कोई 10-5 ग्राम के तो होते नहीं है टूल्स। हथौड़ा अगर बड़ा हैमर ले लेंगे आप, वो भी साला 4-5 ग्राम, 4-5 किलो का निकलेगा। ये इसके अंदर क्या इसकी तथा लग रही है आपको, ये झेल सकता है? ये देखिए टूट गया, ये काम हो गया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ लेकिन इसकी जो हालत है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। और ये अब कुछ ही टाइम का मेहमान बचा और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इसके अंदर भी हम जो है अपना हैमर्स बहुत बड़ा नहीं ले सकते, मतलब जो भी हमारे भारी भारी टूल्स हैं जो उसके साथ आए वो तो रख पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हम लेकर के आए हैं एक ये टूल बॉक्स, ये जो कि है बुल्ड स्टील की तरफ से बनाया हुआ है। और प्राइस दोस्तों देखिए ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो प्राइस चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट का भी, अमेजोन का भी और बुल्ड स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट का भी, ठीक है। तो अब इसके अंदर भाई क्या खास बात है, ये भी बात बताना जरूरी है वरना आपको खाली दिखा रहे हो यार मैं। तो अब इसके अंदर बात सबसे पहले आती है कि ये पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है, ठीक। इसका खुद का वेट 4 किलो का है, उसकी कैपेसिटी है वो 20 किलो तक की है। अब दोस्तों 20 किलो तो कंपनी बता रही है कि 20 किलो ये झेल सकती है, और हमें लगता है कि 20 किलो से ज़्यादा झेल सकती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, जो अलमीरा बनी हुई होती है जिस मेटल से, सेम टाइप की चीज़ इसमें लगी हुई है, सेम चीज़ लगी हुई है, बिल्कुल सेम मेटल लगा हुआ है। इसके अंदर आपको सेल्फ मिल जाती हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5। लुक एट द थिंग। एक चीज़ और, इसकी जो डायमेंशन है वो है 47.5 मीटर, यानी कि लगभग देखा जाए आधा मीटर का तो आपको ये बॉक्स मिल रहा है। तो आधा मीटर की आप कोई भी चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि भाई मेटालिक है तो आपको शक होगा कि ये जंगाल पकड़ जाए। तो आपको बता दें इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है वो पाउडर्ड कोटिंग हुई है, मतलब कि अच्छी कोटिंग होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि पाउडर्ड कोटिंग क्या होती है, लेकिन पाउडर्ड कोटिंग हुई हुई है तो ये काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर आपको जंगाल वगैरह की कोई शिकायत नहीं होगी, और आपके जो इंस्ट्रूमेंट अंदर पड़े हुए होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। अब दूसरी बात यह है, दैट्स वेरी अफोर्डेबल, मतलब कि आप इसको कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं। देखो वेट ही तो रहेगा, तो अगर आपके हाथ पतले हैं, हाथ कमजोर हैं, तब तो आप नहीं ही उठा पाओगे, क्योंकि 20 किलो की इसकी कैपेसिटी 4 किलो का खुद है, तो थोड़ी ना उठा पाओगे। तो अगर हाँ एक मजबूत इंसान है तो आपके लिए ये जो है अफोर्डेबल रह सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये टूल बॉक्स किन लोगों को खरीदना चाहिए। अब जैसे कि आपके पास 250-200 ग्राम के ही टूल्स हैं, तब थोड़ी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इतना भारी 4 किलो का पूरा टूल बॉक्स खरीद लें। लेकिन अगर आपके घर में, गैराज में, ऑटोमोबाइल की एजेंसी वगैरह है, कुछ भी मतलब ऐसा जिसमें टूल्स ज़्यादा होते हैं, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बॉक्स आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी जगह के अंदर आपके काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे, प्लस आप इसको जहाँ चाहें उसको उठाकर ले जा सकते हैं। सो बेसिकली ये टूल बॉक्स उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा टूल्स हैं और उनके टूल्स मारे मारे घूमते हैं, तो ये टूल बॉक्स है। कम छोटे से टूल्स हैं तो किसी भी बॉक्स में रख लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।